ना मिट्टी आत्मा भी लाश है ना किसकी फौज मार्टिनल के अंदर आकर तो वापस आ रही है सर वही हेलो दोस्तों नेटफ्लिक्स जल्द ही आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर हॉरर वेब सीरीज लेकर आने वाला है जिसका नाम है बेताल। बेताल को जल्द ही इसी महीने मई में रिलीज किया जाएगा। तो इस वेब सीरीज की क्या खासियत है, इसका ट्रेलर रिलीज हुआ है तो ट्रेलर में हमें क्या बताया गया है, इस पूरी चीज़ों के बारे में हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे साथ लास्ट तक ज़रूर बने रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों बेताल वेब सीरीज जो एक मिस्ट्री हॉरर और फैंटेसी वेब सीरीज है जिसे लिखा पैट्रिक ग्राम ने है और डायरेक्ट किया है पैट्रिक ग्राम साथ में निखिल महाजन ने। इस वेब सीरीज के स्टार कास्ट के तौर पर है मुक्केबाज स्टारर विनीत कुमार सिंह, आहाना कुमरा, जितेंद्र जोशी और साथ में सिद्धार्थ मेनन। दोस्तों अब जल्दी से बात कर लेते हैं इस ट्रेलर के बारे में। इस ट्रेलर की शुरुआत में हमें एक जनजाति विशेष की बातचीत दिखाई जाती है जिसमें वो किसी श्राप को लेकर बातचीत कर रहे होते हैं और यहाँ हमें एक मूर्ति भी दिखाई जाती है। इसके अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विनीत कुमार सिंह एज आर्मी ऑफिसर और उनसे कोई दूसरा आर्मी ऑफिसर हेल्प मांग रहा होता है। वो किसी जगह को क्लियर करवाने की बात कर रहे होते हैं और उसके बाद विनीत कुमार सिंह अपनी टीम के साथ उस जगह को क्लियर करने के लिए पहुंचते हैं लेकिन वहां उन्हें बहुत सारी लाशें दिखाई जाती है जिन लाशों को देखकर सब घबरा जाते हैं। इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें जिक्र होता है बेताल पहाड़ी का और बेताल पहाड़ी वही पहाड़ी है जिसके अंदर हमें वो मूर्ति दिखाई जाती है। तो हो सकता है वो मूर्ति बेताल की ही हो। आगे कुछ सीन्स में हमें जोम्बी यानी जिंदा लाशें दिखाई जाती है, चलते फिरते भूत, और ये भूत होते हैं कुछ अंग्रेज ऑफिसर्स के। अगर आपको याद हो तो जहां वो पहले लाशें दिखाई गई थी वो लाशें इन्हीं अंग्रेज ऑफिसर्स की थी। अगर आपने गौर किया हो तो इस पूरे ट्रेलर में बार बार किसी कर्नल का जिक्र हुआ है जो शायद कोई अंग्रेज ऑफिसर है और अब मौत के बाद वो दोबारा लौटा है। इसके बाद अगले सीन में हमें बेताल की मूर्ति दोबारा देखने को मिलती है जिसमें कुछ लोग बेताल की उस मूर्ति को खून पिला रहे होते हैं। इसके बाद हमें बहुत सारे रैंडम सीन्स दिखाए जाते हैं जिन सीन्स से हम एक चीज़ समझ पाते हैं कि उस बेताल की मूर्ति की शाप की ही वजह से वो सारे मुर्दा अंग्रेज ऑफिसर जिंदा हुए हैं। अगर बात करें ओवरऑल इस ट्रेलर की तो ट्रेलर भाई साहब बहुत ही लाजवाब था। मतलब शुरुआत से लेकर एंड तक कहीं भी इस ट्रेलर का ना पेस लूज होता है ना इसके हॉरर में कहीं कमी आती है। हर सीन बहुत ज़्यादा इंटेंस लगता है, वो शुरुआत का सीन हो, मिडिल का हो या एंड का हो। सिनेमेटोग्राफी भी बहुत शानदार लग रही है। साथ में जब कुछ खून के ब्रूटल सीन दिखाए जाते हैं तो सच में आपको घबराहट होती है। मतलब ये वेब सीरीज पता नहीं क्या कमाल कर देगी। और साथ में एक्ट की बात करें तो विनीत कुमार सिंह के एक्ट के बारे में हम सभी जानते हैं, वो बहुत कमाल के एक्टर हैं। और वैसे भी पूरे ट्रेलर को देखने से लगता है कि उनके अलावा लोगों के पास कम ही स्पेस है। इसका मतलब आपको बहुत अच्छी चीज देखने को मिलने वाली है नेटफ्लिक्स के थ्रू। वैसे भी अमेज़न प्राइम जल्द ही अपनी एक वेब सीरीज लाने वाला है पातालकोट और अब इनका देखना होगा। तो देखेंगे कितना मजेदार होने वाली है दोनों वेब सीरीज, कौन अपना बूम मारेगी, कौन दर्शकों को ज्यादा पसंद आएगी, कौन दर्शकों के दिलों पर राज करने वाली है। तो आपको कौन सी वेब सीरीज के लिए ज्यादा इंतजार है आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है ऐसे ही नए नए वीडियोस बनाने का। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।